हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम 2 में 13 का भाग कैसे दें, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1/3 या 2 बाई 1/3 कैलकुलेट करें। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। हम भाग देने की शुरुआत कहाँ से करते हैं? यदि ये 2 अंकों की संख्या, तो हमें कम से कम यहाँ पर 2 अंकों की संख्या चाहिए। तो क्या करें, इसको 2 अंकों का कैसे बनाएं? ऐसे बनाएंगे, देखिए, पॉइंट लेंगे और इसके साथ आपका 1 0 आ जाएगा। कितना बन गया? 20। 2 अंकों की है, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? 13 से बड़ी होनी चाहिए या 13 के बराबर होनी चाहिए। क्या यह 13 से बड़ी है? यस। अब हम 13 का भाग दे सकते हैं। अब 13 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, 1 से लेकर 9 तक, कि आपका 20 से बढ़ाना है? देखिए, 13 गुणा 1 कितना आता है? 13। 13 गुणा 2 कितना? 26। इससे बड़ा आ गया। एक बार गुणा करने पर कितना आ रहा है? 13। इसको माइनस किया, 20 माइनस 13 कितना आ गया? 7। पॉइंट लगा रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखने के लिए अनुमति है हमारे पास? 1 0 लिखने की अनुमति है। घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ हम 1 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 13 को हम 5 से गुणा करते हैं, कितना आ जाता है? 65, जो कि आपका 70 से बड़ा नहीं है। फिर हम माइनस करते हैं, 70 माइनस 65 कितना आ गया? 5। देखिए, घटाने पर जो संख्या आ रही है वो क्या होनी चाहिए? 13 से छोटी होनी चाहिए। पॉइंट लगा रखा है, तो इसके साथ 0 लिख सकते हैं। 13 को 3 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 39। माइनस किया, कितना आ गया? 1 और 1, ठीक है। इसको हम सेंसफुल बोल देते हैं, तो इसके बराबर कितना आ गया?